कोरोना की थर्ड वेव की आशंका को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों के उपचार के लिए जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं जिले में प्राथमिकता से पूरी की जा रही है। जिले को 480 मीटर टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जिसको ध्यान में रखते हुए नियोजन किया गया है। तमिलनाडु से 125 मीटर टन स्टॉक की क्षमता का जंबो ऑक्सीजन टैंक आ गया है, जिसे शासकीय मनोरुग्ण अस्पताल परिसर में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 1,96,00,000 रुपए खर्च होगी और कार्य 15 दिन में पूरा किया जाएगा। यह जानकारी पालक मंत्री नितिन राउत ने कोरोना के संदर्भ में ली गई बैठक में दी। बैठक में विभागीय आयुक्त प्राजक्ता लवंगरे वर्मा, सीबी अमितेश कुमार, मनपा आयुक्त राधा कृष्ण बी, जिलाधिकारी विमल आर, सीओ योगेश कुंभेस्कर, एसपी राकेश ओला, टास्क फोर्स प्रमुख डॉक्टर भ्रुशुंडी, डॉक्टर सरनाइक, स्वास्थ्य उप संचालक डॉक्टर संजय जायसवाल, डॉक्टर देवेंद्र पातुरकर, डॉक्टर दीपक सिलोकर, मनपा उपायुक्त राम जोशी, उद्योग सह संचालक धर्माधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पालक मंत्री ने सिटी सहित जिले में डेंगू के बढ़ते मरीजों पर चिंता व्यक्त की। प्रत्येक घरों की जांच कर डेंगू मरीजों का तत्काल उपचार शुरू करें। उन्होंने कहा कि ग्रामीण भागों में 118 और सिटी में 87 मरीज मिले हैं। डेंगू पर नियंत्रण के लिए सप्ताह में एक दिन सूखा दिवस मनाने के लिए जन जागृति का निर्देश भी उन्होंने दिया। राउत ने वैक्सीनेशन तेज करने के लिए औद्योगिक समूहों से वैक्सीन खरीदने के लिए मदद लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिले में विविध क्षेत्र में 1,75,000 कामगार है, जिनका वैक्सीन करने के लिए नियोजन करें। जिले में लगभग 11,42,000 को वैक्सीन लगा है, जिसमें 3,20,000 को दूसरा डोज मिल चुका है। लवंगरे ने तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीबेड स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी दी। मनपा आयुक्त ने बताया कि सिटी में 156 केंद्रों पर वैक्सीन शुरू है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़, नागपुर।